हरे कृष्ण ओम ज्ञान निरामधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तत् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य तव कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौरभक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे नैमित्तिक धर्म किसको कहते हैं और निसर्ग निसर्ग किसको कहते हैं, हम इसी विषय पर हम लोग ने श्रवण कर रहे थे। और ये भी श्रवण कर रहे थे वस्तु का जो स्वभाव ही वस्तु का नित्य धर्म है, लेकिन वस्तु का निसर्ग ही वस्तु का नियमित धर्म है। इसलिए इसी विषय पर हम लोगों ने बहुत बहुत हम लोगों ने बात सुना था। अब इसलिए संन्यास ठाकुर ने प्रश्न करते हैं, भैया वस्तु कहते हैं किसको, हैं कहते वस्तु कहते किसको, कहते वस्तु का जो नित्य धर्म वही नित्य धर्म है उसी का। लेकिन अभी प्रश्न भी होता है ना, वस्तु कहते हैं किसको, हैं ये प्रश्न जब कहते हैं और स्वभाव शब्द का अर्थ क्या होता है, इसमें यहाँ दो प्रश्न है। इसलिए कल हम लोग आप लोग से सुनेंगे तीन चार प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। पहला नंबर है ये ग्रंथ का नाम जैव धर्म क्यों पड़ा है। दूसरा नंबर है कुटीजग बहुदग हंस और ये परम हंस का मतलब क्या होता है, हैं और सुनेंगे निसर्ग का मतलब क्या और ये नैमित्तिक धर्म का मतलब क्या। इस विषय पर कल आप लोग यहाँ से पढ़ करके सबके सब आना। और यहाँ पर ये जो नोटबुक है कृष्णदास प्रभु जी उन्होंने ये नोटबुक बनाया, सत परमेश्वर प्रभु पहले बनाए होंगे, इसलिए उसमें ये सब एक एक जो वहाँ पर शब्द है ये शब्द का क्या मतलब है इसमें सबके सब लिखा हुआ। आप लोग कल सबके सब पढ़ कर जाना, ठीक है। और इसमें हाँ एक ही है लेकिन
ऐसे क्यों हुआ, इसलिए उसको थोड़ी सी अच्छे तरह से पढ़ कर जाना, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं इस वस्तु किसको कहते हैं और ये स्वभाव शब्द का अर्थ क्या, इसलिए ये इसमें भी ये और दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए परमहंस महाराज कह रहे हैं कहते बस धातु से संज्ञार्थ में ये तू प्रत्यय लगा करके वस्तु शब्द हुआ। कहते हमारी भारत में जितने आप शब्द देखोगे वो सारे शब्द के अंदर में उसका अर्थ मतलब उसके अंदर में है, हैं। एक है शब्द रूप और एक धातु रूप है, ये दोनों चीज में जितने सारे शब्द बने हुए ये शब्द रूप और धातु रूप पर लेकर के ही ये सब के सब शब्द बना हुआ है। और जो धातु रूप में जो वस्तु शब्द कह रहे हैं कहते बस धातु संज्ञार्थ में तू प्रत्यय लगा करके ये वस्तु शब्द बताता है, अतएव जिसका अस्तित्व व प्रतीत है उसको ही वस्तु कहते हैं। जिसको कोई अस्तित्व है और जिसका कोई प्रतीत मतलब दिख रहा है उसको कहते हैं वस्तु। इसलिए कहते जो वस्तु है कहते ये दो प्रकार का वस्तु है, पहले दो प्रकार वस्तु किया है कहते एक वास्तव वस्तु और एक अवास्तव वस्तु। वास्तव वस्तु मतलब जो सही सही है और जो अवास्तव वस्तु मतलब है जो सही नहीं। इसलिए कहते हैं वास्तव वस्तु परमार्थ भूत तत्व है, लेकिन जब हम वास्तव वस्तु बोले ये किसको लक्ष्य करता है कहते ये परमार्थ भगवान की भक्ति को लक्ष्य करता है, हैं। ये जो भक्ति जगत में इसको ही जो वस्तु कहते उसको वास्तव वस्तु कहते हैं, कहते जो अवास्तव वस्तु कहते हैं कहते द्रव्य गुणादि रूप, इसी जगत में जो द्रव्य गुण इस जगत का जो वस्तु को ये अवास्तव कहते हैं, हैं। द्रव्य गुण आदि का जो रूप है कहते जो वास्तव वस्तु का अस्तित्व व सत्ता है, कहते जो वास्तव वस्तु जो सही वस्तु है उसको क्या है कहते उसका कोई अस्तित्व भी है और उसका कोई सत्ता भी है उसकी, लेकिन जो अवास्तव वस्तु का अस्तित्व केवल प्रतीत होता है, जो सही वस्तु नहीं अस्तित्व केवल दिखता है लेकिन वास्तव रूप में वो नहीं है। कहते प्रतीत, कहते प्रतीत किसी जगह सत्य होती है और किसी जगह केवल भान मात्र होता है, कहते कहीं कहीं ये जो दिखता है कहीं कहीं सही भी होता है और कहीं कहीं ये चीज गलत भी होता है, हैं। सही भी कभी होता है कभी गलत भी होता है। कहते श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध का जो द्वितीय श्लोक में कहते वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम, कहते ना वास्तव वस्तु का मतलब क्या है कहते वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम। इसलिए जो दूसरे श्लोक में धर्म प्रजीत कैतव अत्र परम निर्मत सरनाम सताम कहते वहाँ वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम, यहाँ पर बताया वास्तव वस्तु जो सही वस्तु क्या चीज है। कहते इसका मतलब होता है कहते जो परम सुखद जो परमार्थ संबंधी वास्तव वस्तु ही जानने योग्य है। इसका मतलब है हमें किस चीज़ को जाननी चाहिए, तो वास्तव मतलब जो सही है कहते हमें सही सही रूप में किस चीज़ को ही हमें जाननी चाहिए। तब वहाँ पर कहते हैं कहते जिससे जीवन का परम सुख प्राप्त होता है, हैं। जगत में जिससे जीवन में परम हमें सुख प्राप्त हो और परमार्थ मतलब भगवान की भक्ति श्रेष्ठ अर्थ जिससे प्राप्त हो कहते ऐसे जो परमार्थ संबंधी है जो वास्तव वस्तु ही जानने का योग्य है। हर वस्तु का हम जानने का जरूरत नहीं, जो वास्तव रूप में सुख दे वास्तव सही है वह चीज़ को ही हमें जानने यही योग्य है। कहते वो कौन है कहते भगवान है, जिसको जानने से जीव का सब कुछ जानना हो जाता है, जिसको सीखने से जीव का सब कुछ सीखना हो जाता है, जिसको पढ़ने से जीव का सब कुछ पढ़ना हो जाता है और जिसको है भजन करने से जीव की सब कुछ भजन करना हो जाए कहते यही वास्तव वस्तु। इसलिए सही वस्तु को ही हमें जाननी चाहिए। इसलिए यहाँ कहते वास्तव वस्तु कि जो अवतारण है उसमें वास्तव वस्तु एकमात्र परमार्थ है। अगर वास्तव वस्तु का अगर हम लोग समझना चाहते हैं कहते वास्तव वस्तु क्या है कहते केवल परमार्थ है जो भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ अर्थ,
एक साधारण अर्थ और एक परमार्थ। कहते साधारण अर्थ ही जगत का वस्तु है, लेकिन जो परमार्थ है ये भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम ही है। ऐसे निर्णय किया जा चुका है, इसलिए परमार्थ वास्तव वस्तु केवल भक्ति, इसको ही निर्णय किया जा चुका है। कहते भगवान एकमात्र वास्तव वस्तु, जगत में सही कौन है? बोलकर ठाकुर ही जगत में सही है, हाँ? इसलिए कहते सत्यम परम धीमहि। इसलिए कहते हम किसको ध्यान करते हैं? कहते ये परम सत्य, ये भगवान को ही हम ध्यान करते हैं। क्यों? वही केवल जानने का योग्य है, हाँ? वही केवल जानने का योग्य है, लेकिन जगत में और सब कुछ अयोग्य है, हाँ? जगत में सब के सब अयोग्य है। इसलिए हमारे भारत में भी मरते समय यही कहते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य वाल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। विदेश वगैरह में ये नहीं होता जब जाते नहीं, वहाँ पर नहीं, गति नहीं होती क्या गुरुदेव? हाँ गति नहीं होती, कोई श्राद्धा तर्पण फर्पण कुछ नहीं, इसलिए भूत प्रेत होकर घूमते रहते हैं। तो सारे देश में भूत प्रेत हैं? हाँ देखो यहाँ पर कहते हैं, कहते जो वास्तव वस्तु कौन है? एक भगवान, भगवान एकमात्र वास्तव वस्तु, लेकिन और कोई भी क्या वास्तव वस्तु है? बल है, और कौन है वास्तव वस्तु? एक तो भगवान हो गए वास्तव वस्तु, सही वस्तु हो गए। कहते हैं, कहते और जो एक है, कहते उनका जो पृथक अंश है, हैं, जो जीव है, हैं, जो उनका जो जीव उसी वस्तु का वो पृथक अंश है। इसलिए भगवान कहते ना अर्जुन, ममई बांस जीव लोक जीव भूत सनातन। कहते जगत में जितने जीव है सबके सब मेरे बच्चे, मेरे अंश है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो। इसलिए एक तो वास्तव वस्तु सही वस्तु भगवान हो गए, और दूसरा कौन हो गया? बोले जीव हो गया, हैं। कृष्ण कहते हैं मैं जैसे सनातन हूँ, हैं, सब समय प्रकाशशील हूँ, अनित्य हो, मेरे जीव भी नित्य है। क्यों? वो मेरा ही अंश है, इसलिए जीव भी नित्य है। और एक नित्य किया तथा माया उसी वस्तु की शक्ति। कहते भगवान की शक्ति कौन है? कहते ये माया। कहते ये माया भी, ये भी नित्य, एक भगवान नित्य है, एक जीव नित्य है, चूँकि भगवान की शक्ति ही ये माया है, ये भी नित्य। अतएव वस्तु शब्द से भगवान, जीव और ये माया, ये तीन तत्वों को हमें समझने चाहिए। यही तीन तत्व ही जगत में वास्तव वस्तु, इसलिए तीन तत्वों के बगैर जगत में कुछ है ही नहीं, हैं। ये तीन तत्व ही वास्तव वस्तु है। ये तीनों के परस्पर संबंध ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। इसलिए कहते हैं ये तीनों का जो परस्पर जो ज्ञान है, यही ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान। क्यों? यही तीन वस्तु ही सही वस्तु वास्तव वस्तु है। इसलिए इन्हीं तत्वों की बहुविध प्रतीतियाँ हैं, लेकिन ये तीन तत्व, ये बहु रूप में ये तीन तत्व देखने को मिलता है। कहते उन सब की अवास्तव वस्तु में गणना होती है, इसकी बहुविध प्रतीति आते हैं, लेकिन वो वस्तु वास्तव वस्तु नहीं, वो क्या है? कहते ये अवास्तव वस्तु है। इसलिए वैशेषिकों ने द्रव्य और गुण की संख्या केवल अवास्तव वस्तु की आलोचना मात्र, कहते अलग अलग सब फिलोसफी का रहे हैं, पतंजलि वैशेषिक न्याय सब अलग अलग, सब ऋषि मुनियों ने अलग अलग सिद्धांत को उन लोगों ने बताया, फिर उनको क्या बताया जाएगा? कहते जैसे कहते एक वैशेषिक है, कहते ऐसे भी एक हैं मतवाद हुआ है। कहते उस द्रव्य और गुण की संख्या, वो लोग जिसको सिद्धांत रूप में स्थापन करते हैं किसी द्रव्य और उसकी गुण को, ये केवल अवास्तव वस्तु की आलोचना, वो लोग जो आलोचना करते हैं वो वास्तव वस्तु की आलोचना नहीं करते हैं, हैं? वास्तव वस्तु केवल तीन, भगवान जीव और माया, इसके सिवाय जगत में जितने आलोचना सबके सब बेकार है, हैं? कहते द्रव्य और गुण की ये लोग करते, इसलिए इसको सही वास्तव वस्तु नहीं। कहते वास्तव वस्तु का जो विशेष गुण है वही इसको स्वभाव। वहाँ दो प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था? वास्तव वस्तु, हाँ,
उसने प्रश्न किया क्या था, एक है कहते वास्तविक वस्तु किसको कहते हैं और उसको स्वभाव का मतलब किया, ये दो प्रश्न था, एक वास्तव वस्तु एक स्वभाव। हाँ कहते जो विशेष गुण है, कहते वास्तव वस्तु का जो विशेष गुण है वही उसकी ही स्वभाव है। तब यहाँ पर कहते वो क्या चीज़ है, बोले जीव एक वास्तव वस्तु, तीन वास्तव वस्तु में जीव भी एक वास्तव वस्तु हो गया। कहते जीव का जो नित्य विशेष गुण वही उसका स्वभाव, जीव का जो नित्य जो विशेष गुण वही उसकी स्वभाव है। सन्यासी महाराज ने कहा बोले प्रभु इस विषय में अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ, कहते इसको थोड़ी और अच्छे तरह से इसको व्याख्या करो, हैं कैसे जीव का स्वभाव जो वही इसका है वही इसका वास्तव वस्तु का ही नित्य स्वभाव, उसको अच्छे तरह से आप वर्णन करो। तो बाबा जी महाराज ने कहा देखो, कहते श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्योंकि उनका गुरुदेव श्री कृष्ण नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मुझे एक हस्तलिखित तो ग्रंथ दिया था, हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, किस ग्रंथ का नाम दिया, कहते चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, इसलिए उसी ग्रंथ का नाम श्री चैतन्य चरितामृत। कहते उसी ग्रंथ इसी में महाप्रभु को का इसी विषय में एक उपदेश है, कहते उसी ग्रंथ में महाप्रभु ने कुछ भक्तों को उपदेश दिया है, कहते उसका क्या उपदेश है, कहते जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति वेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया कार्य दे संसार अधिक। कहते ये प्रश्न कब किसको किसने बोला था याद है, बताओ कहाँ पर ये महाप्रभु कब क्यों किस लिए इसको बोले। इसलिए कहते देखो श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को दो प्रश्न किया था, क्या प्रश्न है, के आमी, पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ और के न मरे जारे ताकत रहे, संसार में कोई दुख नहीं चाहते, सब जीवन में सुखी चाहते हैं, फिर भी क्यों आता है, लेकिन तब भी संसार में ये दुख कष्ट क्यों आता है, ये सनातन गोस्वामी महाप्रभु को प्रश्न किया था। कहते उन्होंने जब प्रश्न किया था तो उन्होंने उसका उत्तर में महाप्रभु ने यही बात महाप्रभु का बताया हुआ यही बात है, इसलिए जीवर स्वरूप का है कृष्ण नित्यदास। कहते जीव का असली स्वरूप कौन है, कहते ये कृष्ण का ही ये नित्य दास है, हैं कृष्ण का नित्य दास। कहते फिर कृष्ण रे तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कहते ये जीव कहाँ से प्रकट हुआ, कहते कृष्ण रे तटस्थ शक्ति, एक शक्ति जिसका नाम कहते तटस्थ शक्ति, बोले तट किसको कहते हैं, जैसे पानी है ना, अब देखना पानी एक तरफ पानी और एक तरफ में मिट्टी, एक तरफ पानी और एक तरफ मिट्टी, उसका जो बीच भूमि को उसको तट कहते हैं, हम कहते हैं ये तट है, तट कहते हैं। आप देखना कभी जब ज़्यादा पानी हो जाता है तब ये ऊपर आ जाता है, जब सूख जाता है फिर ये नीचे चले जाते हैं, इसलिए कहते जो जीव है, कहते कृष्णर एक तटस्थ शक्ति है, वो क्या बोले भेद और अभेद को जो प्रकाश करने वाले ये तटस्थ शक्ति। कहते ये फिर संसार में जीव दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं, जीव का तो स्वरूप कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन फिर ये फिर दुख कष्ट क्यों भोग करता है, कारण क्या है। यहाँ पर कहते भेद और अभेद, कहते जीव भगवान से भेद भी है और अभेद भी है, बोले भेद कहाँ पर है और अभेद तो कहाँ पर है, कहते अभेद तो वहाँ पर है जो भगवान कौन है, नित्य शाश्वत है, इसलिए भगवान में जो जो गुण हैं वो जीव में उसको संतान जीव होने का नाते जीवों में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो सारे गुण विद्यमान हैं। जैसे भगवान कहते मम ही बांस जीव लोक के जीव भूत सनातन, कृष्ण जैसे कहते हैं और जो जो जीव मेरे अंश है मैं जैसे सनातन हूँ ये जीव भी सनातन है, इसलिए कहते ये भेद भी है, बोले भेद कहाँ पर है, कहते ये अभेद, कहते ये भेद कहाँ पर, बोले भेद वहाँ पर है, अभी सब बात बताएगा भगवान, दिव्य अपराकृत चिन्मय वस्तु
भगवान माया से ऊपर है और जीव माया की अधीन है। जीव माया में बिलबिला रहे हैं, भगवान माया को कंट्रोल करने वाले। इसलिए कहते हैं पर जीव को ये दुख कष्ट पर क्यों भोगना पड़ा, बोले केवल एक ही कारण है, कृष्ण भूलि सहे जीव अनादि भगवान। जीव अनादिकाल से भगवान को भूल गया है, इसलिए माया तारे संसार आदि दुख। बोले भगवान की सेवा नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, घर गृहस्थी करोगे, माया में जाओ, जाओ देख लो, संसार में जाकर देख लो कितना मजा, जाकर के देख लो। लेकिन जब संसार में आकर के जीव जब खूब धुलाई होती है, खूब पीटते हैं, खूब मार पड़ता है, हैं, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, दुखी 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 जब हो जाता है ना, अरे भैया और नहीं, अभी तो हम भजन करेंगे, अभी हम भगवान की भक्ति करेंगे, बड़ा दुख है, हैं, बड़ा दुखी है संसार में। इसलिए हम पहले बताते ना, मथुरा में गए होंगे, देखे होंगे, मथुरा में जो ऊपर जाएंगे गुरु जी को, वहाँ पर गुरुदेव ने बड़े सुंदर एक छवि बना कर रखा है, हैं, और छवि में एक तरफ में माया की जगत और एक तरफ में भगवान की जगत दिखाया, और जिधर हम माया की जगत दिखाया केवल अंधकार अंधकार, भूत पिशाच हिंस्र जानवर हैं, शराब गंदे गंदे चीज, और उधर एक माया खड़ी है, और जिधर प्रकाश प्रकाश दिखाया देखा उस तरफ में एक साधु खड़ा है, और वो मार्ग सीधा गया ठाकुर के पास में। इधर इधर एक साधु खड़े होकर बुला रहे हैं, बोले भैया देख रहे हो ये मार्ग सीधा भगवान के पास में गया, अगर इधर आओगे ना सीधे तुम ठाकुर के पास में जाओगे। लेकिन उधर जो एक माया खड़ी हुई वो कहती है इधर आ जा, उधर क्या देख रहे, उधर आ जा, हाँ देख रहे हो कितना सुंदर ये संसार, हाँ संसार कितना सुंदर है। इसलिए ये जीव तो सोचने में पड़ जाता है, कभी इधर देखता है माया बुलाती इधर आ जा, हैं, जब इधर देखते बोले उधर की देख, इधर देख, देख इस भगवान की जगह देखो, जाओगे तो पूरा पूरा आनंद ही आनंद है। अभी तो जीव इधर कभी इधर कभी इधर इधर इधर, लेकिन अक्सर करके जो जीव है वो माया में गिरते हैं। बोले क्यों गिरते हैं, कहते जीव है, जीव शक्ति छोटी सी है, जब माया शक्ति बड़ी है इसलिए आसानी से उसको कैप्चर कर लेता है। देखना हम सब जानते हैं ये माया है, इधर जाने से दुख कष्ट है, लेकिन सब जानते हुए भी छलांग उधर लगाती है, फिर क्यों लगाते हैं, जब जानते हैं ये दुख कष्ट पर छलांग क्यों लगाते हैं, बोले कारण है ये जीव खुद्र होने का नाते माया उसको दबोच लेती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए कहते हैं ना सुने लो साधु कथा खाए लो अपना माथा, कहते हमने साधु का तो बात सुना नहीं, भजन के लिए बोल रहे थे, लेकिन अपना अपना सर हमने खाया, मतलब अपना बुद्धि को हमने नष्ट कर दिया है, बुद्धि को हमने नष्ट कर दिया है। इसलिए कृष्ण को भूलने का नाते जगत में माया उसको दुख कष्ट दे, ये भी माया की एक कृपा है, क्योंकि संसार में दुख कष्ट नहीं मिलेगा तो फिर जीव भगवान की तरफ में जाएगा नहीं, बोले भक्ति भगवान की भक्ति करने का क्या जरूरत है, हम मस्त है, कोई हमारी जरूरत नहीं, हम ठीक ठाक हैं, हैं हम ठीक ठाक है। इसलिए जो कष्ट भी ये माया की, इसलिए कुंती को जो भगवान बोले वर मांगो क्या बोले, बोले प्रभु मेरे झोले में दुख ही दुख भर दो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को। इसलिए तब यहाँ पर कह रहे हैं हाँ जो कृष्ण कहते कृष्ण परिपूर्ण चिद वस्तु, कृष्ण कौन है, हाँ कृष्ण कौन, बोले सत चित आनंद, हम कहते ना सत समय श्री संधिनी शक्ति से बलदेव प्रभु अधिष्ठात्र देवता, चित अंश में ज्ञान स्वरूप कृष्ण स्वयं इसकी अधिष्ठात्र देवता, और आनंद स्वरूप में श्री राधा रानी लादिनी शक्ति, राधा रानी अधिष्ठात्र देवता। कहते कृष्ण कौन है, कहते ये परिपूर्ण चित वस्तु है, हैं, कहते तुलना स्थल में अनेक लोग उन्हें चित जगत का एकमात्र सूर्य कहा कहते हैं, जो उसको उदाहरण देते हैं, उदाहरण किस स्वरूप में देते हैं, कहते उनको क्या लोग क्या कहते हैं, कहते चित जगत मतलब भगवत जगत में कहते एकमात्र सूर्य कहा जाता है, भगवत जगत में भगवान एकमात्र वहाँ की सूर्य सूरज है, कहते जीव उनका किरण मात्र, कहते जीव कौन उनका, जैसे सूर्य का अनेक किरण होता है, हैं उसी तरह जीव उनकी
किरण मात्र, कहते जो जीव है वो अनेक जीव, अनेक जीव है, इसलिए कहते रजवी समसंख्यता पार्थिव ही रिह जंतव। जैसे धूल कणा को गिर नहीं सकते हैं जगत में, बारिश का बूंद नहीं गिर सकते हैं, जीव को भी जगत में गिर नहीं सकते, इतने जीव। देखना इस शरीर, जब अगर मरने के बाद अगर शरीर को नहीं जलाया जाता क्या होगा, कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में। इसलिए जीव कृष्ण का अंश यह कहने से यहाँ पर उदाहरण देते हैं, भगवान चित जगत का एकमात्र सूर्य और जीव इसका अंश। तो जब जीव अंश बोले तो उसको उदाहरण क्या है, बोले ये मत समझो कहते पत्थर का एक टुकड़ा जैसे अंश है, हाँ पत्थर जैसे बड़ा पत्थर है, अब बड़ा पत्थर का जैसे एक टुकड़ा है, ये मत समझो ऐसे ही एक अंश है, हैं ये ऐसे एक अंश नहीं। कहते हैं अंश पत्थर का वैसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अनंत अंश रूप जीव कृष्ण से निकलता हुआ होने पर भी उससे कृष्ण के किसी अंश का खेह नहीं होता। कहते उसको साथ में क्यों उदाहरण नहीं दे रहे पत्थर को साथ में, जैसे बहुत बड़ा एक पहाड़ उसका एक अंश छोटा एक टुकड़ा है, उसको क्यों उदाहरण नहीं दिया, बोले कारण बताए। कहते जैसे भगवान से अनंत जीव निकलते हैं, अनंत जीव है, लेकिन जैसे अनंत जीव निकलने पर भी जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ उसका एक पत्थर का टुकड़ा लिया, लेकिन एक जब टुकड़ा लिया ना पत्थर पहाड़ का क्या हुआ, छोटा हो गया, उसका एक टुकड़ा लिया मतलब उतना कम हो गया। लेकिन भगवान से अनंत जीव निकलने पर भी भगवान कभी छोटे नहीं होते, भगवान कम नहीं होते हैं, भगवान कम नहीं होते हैं, किसी अंश का क्षय नहीं होता है। इसलिए भगवान को क्या बता, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हैं। कहते ओम पूर्णमदः, भगवान पूर्ण हैं, और अगर पूर्ण से अगर पूर्ण निकल गया, जैसे कृष्ण पूर्ण उनसे जो बलदेव प्रभु उनसे निकला, कृष्ण क्या क्या कम हो गया, नहीं, श्री बलदेव प्रभु से मूल शंकर से निकले, फिर क्या बलदेव प्रभु कम हो गए, बोले नहीं, बोले उनसे फिर कारण दशाएं गर्भदशा खिराब दिशाएं निकले, कभी ये क्या कम हो गए, बोले नहीं ये कम नहीं हुए हैं। जैसे इसलिए उदाहरण देते हैं, जैसे कि दिया जल रही है, अगर दिया से जो जल रहा है वहाँ से और एक दिया अगर जला कर लेंगे, क्या वो पहला दिया कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं कम नहीं होगा, और उससे जितने अगर दिया उससे जला करके लोग सुन कभी कम नहीं हो, दिया दिया रहेगा हैं। इसलिए बाद में उदाहरण देते हैं, जैसे समंतक मणि हैं जिससे अष्टभार सुवर्ण निकलता है रोज रोज, क्या ये मणि कम हो जाता है, बोले नहीं। फिर साधारण इसे जड़ जगत में एक मणि है, अगर वहाँ से अनंत मणि निकलने पर जैसे वो क्षय नहीं होता है, अरे कहाँ भगवान चित जगत का सूर्य है, उनसे जीव निकलने पर कभी भगवान से कभी भगवान कम नहीं हो जाते हैं। इसी कारण वेद अग्नि की चिंगारियों का साथ जीव का एकांश में सदृश बतलाते हैं। कहते इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया, जैसे आग जल रही है ना, देखना जब बहुत ज़्यादा आग जलती है ना उसमें चिंगारियाँ निकलती हैं, लेकिन चिंगारी निकलने पर वो आग का कोई कमी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ये एक उदाहरण उनको एक उदाहरण दिया है। वस्तु तो इस विषय में तुलना का स्थल ही नहीं है, लेकिन ये जितने सारे उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि का चिंगारी या पहाड़ का कोई एक टुकड़ा, लेकिन वास्तव रूप में ये पूर्ण उदाहरण नहीं है, हैं इसको पूर्ण उदाहरण नहीं देते हैं। कहते महाग्नि की चिंगारी या चिंगारी कहिए चाहे सूर्य की किरण परमाणु बा अथवा मणि प्रसूत स्वर्ण, कोई भी तुलना सर्वांश सुंदर नहीं होता। ये जितने उदाहरण देने पर भी भगवान के साथ में परिपूर्ण रूप में कोई भी उदाहरण सही नहीं, किंतु इन सब तुलना के जड़ीय भावांश का परित्याग करने पर सहज हृदय में जीव तत्व की स्फूर्ति होती है। ये जितने जड़ जगत का जितने उदाहरण हैं, कहते सारे उदाहरण को त्याग दे दो, त्याग दे करके शुद्ध हृदय में
भगवान को स्मरण करने पर हृदय में जो एक दिव्य भावना प्रकट होता है हृदय में, हैं कद ये क्या होता है, कद हृदय में जीव तत्व की एक स्फूर्ति होती है, हैं भगवान से अनंत जीव निकलने पर भगवान कभी कमी नहीं होते हैं। कृष्ण बृहद चिद वस्तु है, जीव उसकी अणुचिद वस्तु, भगवान बृहद चिद वस्तु, जीव उसका अणुचिद वस्तु। चित धर्म में दोनों का ऐक्य है, क्योंकि ये भी चिद वस्तु एक ही चिद वस्तु, दोनों में हैं, दोनों का जो धर्म एक ही है, किंतु पूर्णत्व और अपूर्णत्व के भेद में दोनों का स्वभाव भेद अवश्य सिद्ध होता है, लेकिन दोनों तो चिद वस्तु है, लेकिन कृष्ण कौन है, पूर्ण चिद वस्तु, और जीव ये अपूर्ण, कहते ये दोनों में स्वभाव भेद अवश्य सिद्ध होता है। कृष्ण जीव के नित्य प्रभु, और जीव कौन है, कृष्ण का नित्य दास, इसकी स्वभाव की कहना होगा, इसको स्वभाव की कहना होगा। कृष्ण आकर्षक, भगवान नाम ही कृष्ण जो शब्द आकर्षण करते हैं, और जीव क्या, भगवान के प्रति जो आकृष्ट होता है, हैं कहते कृष्ण कौन, बोले ईश्वर है, और जीव कौन है, कहते इसी तरह कृष्ण दृष्टा जो दुनिया को देखने वाले, जीव दृष्ट, और कृष्ण पूर्ण, और जीव दीन और क्षुद्र। कृष्ण सर्वशक्तिमान, जीव निशक्ति, अतएव कृष्ण का नित्य अनुगत्य या दासत्व ही जीव का नित्य स्वभाव या धर्म, इसलिए जीव का नित्य धर्म क्या, नित्य धर्म ही भगवान के अनुगत्य करते हुए एक बार हाथ उठा कर बोला, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये सब उदाहरण दे करके समझाने के लिए कोशिश किया है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना हमने पढ़ा है, जितने पढ़ा है, कोशिश करना इतने को ही पढ़ करके आना, हाँ ज़्यादा, हाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पढ़ा है, लेकिन इतना अगर थोड़ी थोड़ी अगर पढ़ करके आओगे, जान करके आओगे, कल मैं इसी जितना ही मैंने पढ़ाया इसको ऊपर में मैं प्रश्न करूँगा, ठीक है, इसमें 8-10 प्रश्न आएगा, 8-10 प्रश्न आएगा, उसको अच्छी तरह से पढ़ करके आना, थोड़ी थोड़ी पढ़ो और थोड़ी थोड़ी हजम करो, क्योंकि जो ग्रंथ है तो एक चैप्टर भी पढ़ लिया ना, एक चैप्टर इसका जो पहला अध्याय पढ़ लिया, उसमें ही बहुत सारी चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ हमारी वैष्णव धर्म का, ठीक है। प्लस भक्ति विनोद ठाकुर की निताई गौर प्रेमानंद देव, अभी कोहिनूर हीरा इस तक नहीं है, जैसे ये सूर्यदेव के पास में था, सूर्यदेव ने 17 जीत को जिया है, और 17 जीत इसी तब ये मणि को लेकर के उसके बाद में बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो मणि फिर चली गई सूर्य के पास, अस्तित्व नहीं है इसी जगत में रहने पर भी आपको और मेरे को मिलने वाला नहीं है। हाँ सुना, साढ़े सात बजे पहले सूर्य उदय हो गया, हाँ हो गया जी, हाँ सब लो लो ले लो, हर कृष्ण सब पारण कर लो, सब पारण कर लो, जगन्नाथ जी निर्जला व्रत के कौन कौन रखे, निर्जला निर्जला कौन कौन रखे, और तुम रखे सिर्फ एक बार रात को थोड़ा जल पी, वो तो हो गया, चार तो बस ले लो, जी सारे सफाई फाई करने थी ना, इसलिए मतलब क्या दे तो दिया, दूध से निर्जला ही माना जाएगा, पानी से तोड़ना पड़ेगा ना, हां नहीं चलो चलो ले सर, पानी से पानी नहीं जी, पानी ले लो, फिर पानी से टूट जाती है, क्योंकि तुम निर्जला किया, इसमें भी ये उसमें भी टूट जाती है पानी।
माना जाएगा लेकिन थोड़ी सी कम माना जाएगा। नहीं तो जी आपने कह दिया तो पूरा माना जाएगा। क्या अभी निजा किए थे? नहीं जी। और तुम भी की थे? लो ए आ जाओ कीर्तन में, सब कीर्तन में बैठ जाओ। हरे कृष्णा। ये सब सामान को है ना, सब रात को चूहा आकर के देखो क्या किया, ऐसे सामान को लेकर के अलग अलग जगह बिली कर दी। ऐ आ जाओ सब कीर्तन, कीर्तन में आ जाओ। आज तुम्हें जग 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 जीवो कितने बार जीवो? हाँ तुम दीजना पड़े जीवो, दीजना पड़े जीवो जग गया तो ऐसे हमें आशीष कीर्तन करे तो प्रसाद ला जीवो। कहेंगी ना से जग गया इतने शीघ्र जीवा को दरकार नहीं, कहेंगी ना ये प्रसाद अच्छे ना तुम यज्ञ पूरा हो, यज्ञ पूरा हो बस हम से आशीर्वाद कीर्तन, हम से कीर्तन हाँ प्रसाद पाई भल कर जाओ, प्रसाद पाई करी हाँ तब जाओ भल कर जाओ, हाँ भल कर जाओ तुम दीजन जाए भल कर अच्छा सब कीर्तन कीर्तन बैठ जाए कीर्तन कर
अति जतन करे रामते बड़े उच्च करे वृंदावन ना साक्षात हरे सेवा पर से बंदी से Thank you.
Thank you.
कृष्ण